मैडम, कोरोना को लेकर बहुत परेशान है लोग, और महानगर पालिका की ओर से भी अच्छी उपाय योजना की जा रही है। आज डॉक्टर्स के इंटरव्यूज थे आपके पास, 10 डॉक्टर्स की भर्ती होने वाली थी, तो कितने डॉक्टर्स इंटरव्यू के लिए आए आज आपके पास? आपने सही पूछा, ये कोरोना का पूरा सामना करने के लिए उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमको और डॉक्टर की भी ज़रूरत है, इसलिए 10 जगह डॉक्टर्स के लिए हमने जाहिरात दी थी। मगर हमारे पास आज 3 ही डॉक्टर का एप्लीकेशन आया है, 3 लोगों का इंटरव्यू ले लिया गया है। अभी उसका फाइनल हो जाएगा, आज शाम को लिस्ट लगेगी और ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे। मैडम, इसका मतलब चुनौती बहुत बड़ी है महानगर पालिका के आरोग्य विभाग के सामने, तो इसका सामना कैसा करेंगे आप? अभी जो आप देखे जाए तो जो जिस तरीके से हमको रिस्पॉन्स चाहिए था उतना नहीं मिला है। मगर हम जो अपने शहर में डॉक्टर्स है IMA के जरिए, उनके पास भी डॉक्टर है, और हमने उनको भी अपील किया है आपके डॉक्टर्स हमारे साथ काम करेंगे, जैसे जैसे वक्त आएगा वैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब डॉक्टर्स अपने साथ काम करेंगे। मैडम, मेरा सवाल यह है, अभी कोरोना के कितने पेशेंट हैं औरंगाबाद शहर में? आज के दिन में टोटल 18 पॉजिटिव आए हैं, इसमें के 15 अभी एडमिट है जो सिविल हॉस्पिटल में मिनी घाटी में भर्ती है। सबकी हेल्थ प्रकृति स्थिर है, अच्छी है, वहाँ पे इलाज चल रहा है। नहीं, ये डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए इक्विपमेंट अवेलेबल की है क्या? किट्स अभी लगाते हैं क्या? ये ज़रूरत पड़ी तो ही लगाते हैं, ऐसे हर एक पेशेंट को नहीं लगता है, सभी पेशेंट के लिए स्थिर है उनकी प्रकृति और इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी तब लगाएंगे अभी? हाँ, जब। तो कितने अवेलेबल है अपने शहर में? शहर में काफ़ी है, अभी सिविल में एग्जैक्ट कितना है वो सिविल सर्जन से आपको ज़्यादा मालूम होगी, वो पूरा कोविड के लिए हॉस्पिटल बना है। नहीं, अपने पास कितने महानगर पालिका पास नहीं है? महानगर पालिका फीवर स्क्रीनिंग सेंटर चालू कर रहे हैं, अपने पास पूरे शहर के लोगों की स्क्रीनिंग होगी, बाद में आगे पेशेंट जाएगा। क्या बोलेंगे सर आप कोरोना के ऊपर? कोरोना के ऊपर मेरे को ऐसा बोलना है कि जहाँ पे हमारे पेशेंट रखे हैं वो एरिया को जितना सील करना चाहिए या जितना लॉकडाउन करना चाहिए उतना लॉकडाउन वो नहीं है, और खास करके वो हॉस्पिटल की परिस्थिति देखा जाए तो जैसा हम देखते हैं कि कोरोना के लिए जितना हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए उतना वहाँ पे तो दिखता नहीं है, तो और हमारे डिपार्टमेंट ने उसमें ज़रा और ध्यान देना चाहिए, और कोरोना के लिए और लॉकडाउन की ज़रूरत है कि जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वो सबसे पहले लॉकडाउन होना चाहिए। अखा औरंगाबाद लॉकडाउन करके क्या फ़ायदा है? हाँ, हमारे पास अगर समझो हमारे पास 200 लोग हैं जो क्वारंटाइन रखे हैं, अगर 200 लोगों के लिए 200 रूम हमारे पास अलग नहीं है तो विलगीकरण का महत्व क्या है? अगर विलगीकरण बोलते हैं हम लोग तो विलगीकरण है नहीं ना, वो क्या होना चाहिए विलगीकरण में? हर हर आदमी को अलग रखना चाहिए। सपोज करो कि आपको और इनको साथ में रखे, आपको है इनको नहीं है, तो इनको तो हो गया ना फुकट में। आपको कैसे पता चला वहाँ पर? वहाँ पे तो हमने देखा है कि वो तो एक बाजू में सब पेशेंट है, आप जाके देख सकते, खुला है, किसी ने पूछा तक नहीं क्यों आए क्यों जा रहे। सर, जो वेंटिलेटर का जो प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर कौन से पोजीशन में किस तरीके से? वेंटिलेटर का तो वो तो डॉक्टर का सोच है कि कब देना चाहिए, लेकिन ये डिसीज को वेंटिलेटर के सिवाय ज़्यादा उपचार हमारे पास नहीं है। नहीं सर, हमने रिपोर्ट ये देखी है चीन में और दूसरे कई देशों में कि वेंटिलेटर लगाते ही पेशेंट अच्छे हो चुके हैं। वेंटिलेटर लगाते ही पेशेंट अच्छे होते नहीं है, उसका लाइफ सस्टेन करने के लिए वेंटिलेटर होता है, और तब तक अगर उसका प्रभाव कम हो गया तो वेंटिलेटर का फायदा जीने के लिए होता है। तो वेंटिलेटर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है वेंटिलेटर पे रखने के सिवाय, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं, वेंटिलेटर तो होना ही चाहिए। नहीं, हमारे पास जो इलाज हो रहा है कोरोना के पेशेंट का, इससे समाधान ही है कि आप आरोग्य यंत्रणा? अभी देखो, एक पेशेंट हमारे पास था वो क्योर हो गया है, तो उसके बारे में तो हमारे डॉक्टर्स लोग तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर है नहीं है, वो तो इतना तो हमारे पास अभी है, वेंटिलेटर्स वगैरह की व्यवस्था तो अभी भी हमारे पास में है, तो डॉक्टर पे तो तुमको भरोसा रखना पड़ेगा उस बारे में, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर जितने लेना चाहिए उतने तो नहीं लिए जा रहे, क्योंकि जो एरिया है इन्फेक्टेड एरिया है उसको जिस तरीके से लॉकडाउन करना चाहिए उतना लॉकडाउन नहीं है। लेकिन पेशेंट के बारे में बोला जाए तो पेशेंट के बारे में हमारे डॉक्टर्स नर्स जान पे खेल के उनके साथ में काम कर रहे, तो वो तो अच्छी बात है।
उनको तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, आज महानगर पालिका को 10 डॉक्टर की जरूरत थी कोरोना का इलाज करने के लिए। डॉक्टर सिर्फ 4 आए हुए है इंटरव्यू के लिए, क्या डॉक्टर भी भाग रहे हैं इलाज से? अब ऐसा बोल के क्या है, डॉक्टर भाग नहीं रहे हैं, लेकिन डर तो है, नहीं तो आज अगर जाहिरात निकलती तो 100 लोग आ जाते थे और हर इधर से उधर से जाक लगा के लेने लेने के लिए पीछे पड़ते थे। अभी भी महापालिके में सर्विस करने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक है, लेकिन कोरोना के वजह से नहीं आ रहे, लेकिन आना चाहिए डॉक्टर लोगों ने। आपकी इतने साल की प्रैक्टिस है सर, इतना आपका अनुभव है, या तो आप क्या अपील करेंगे डॉक्टर्स को, क्या कुर्बानी देना चाहिए? मैं डॉक्टर को कुर्बानी का क्या जरूरत है, प्रिकॉशन लेके अच्छा मतलब प्रिकॉशन लेके काम कर सकते हैं डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने इसको छोड़ के भाग के कुछ फायदा नहीं है। इसके सैनिक तो डॉक्टर है, इस युद्ध के सैनिक तो डॉक्टर है, डॉक्टर को भाग के क्या फायदा है, हम पड़पुटे जवान बन जाएंगे फिर तो। सर जो डॉक्टर को सेफ्टी किट दिया गया पूरी तरह, हाँ वो सेटिस्फाइड नहीं है। जहाँ पे देखा जाए सिविल हॉस्पिटल में तो वो प्लास्टिक के जो है ना वन टाइम यूज के किट दिए गए हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है, और गवर्नमेंट ने सेफ्टी किट बढ़ाना चाहिए तो डॉक्टर लोग और आगे आ जाएंगे। नाम बोलिए सर, डॉक्टर कान्हेरे, और प्रोवाइड किया तो डॉक्टर लोग सर्विस को भी आएंगे, काम भी करेंगे। हाजिर बोलिए तुमने।